तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई, इस तरह से बड़ी मुश्किलों से फिसलते हुए लोगों को नीचे आना पड़ता है, फिर से गिर मजा नहीं आया। एक साथ कर लो ये वीडियो एडिट। अरे लग जाती है भाई, देखना होगा कि देखना होगा कि कब तक चलते रहोगे। कैसा टेस्ट? मीठा मीठा। शील, हाउ इज द जूस? हाय सर। हाय गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज दूसरा दिन है और अभी अराउंड 7 बजने वाले हैं। हम लोग का प्लान था निकलने का 5 बजे का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गाइड साहब हमें उठा नहीं पाए और हम उठ नहीं पाए। हालांकि हम लोग उठ गए थे बट गाइड साहब भी नहीं उठे थे, तो हम कैसे जाते। और ये हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गेट यहाँ से है, तो अराउंड 4 किलोमीटर अभी हमें से ट्रैक करना है। अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो कुछ बिना खाए पिए जा रहे हैं, चाय भी नहीं पिए बिकॉज लेट भी हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, आपको दिखाते हैं बाकी का ट्रैक कैसा है आगे का। सो गाइस, वो आप जो देख रहे हो सामने वो हमारा बेस कैंप है जहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे। वो हमारा टेंट भी दिख रहा है सेकंड नंबर पे, ग्रीन रंग का। और अभी हम लोगों ने ट्रैक चालू कर दिया है। ट्रैक जो है वो 5 किलोमीटर्स है, मैंने गलत बोल दिया था इससे पहले, 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर्स जो है वो ऊपर तक है, उसके बाद 2 किलोमीटर और है अगर आपको पीक तक जाना हो तो। तो रास्ता अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा एकदम चढ़ाई है और पथरीला सा है, तो ये स्टार्टिंग का रास्ता है। बट गाइड साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के थोड़ा सा आगे से रास्ता ठीक हो जाएगा, बट जो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट है और खड़ी चढ़ाई है एकदम, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है आई थिंक। बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं जब तक हो सके शॉर्टकट्स लेके फटाफट जल्दी टेम्पल तक पहुंच जाए। सील भाई फुल जोश में है अभी, देखना होगा कि देखना होगा कि कब तक चलते रहोगे। सो गाइस, वो थोड़ा शॉर्टकट लेने के बाद थोड़ा रास्ता ठीक हो गया है, क्लीन रास्ता है एज यू कैन सी। सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सो अभी जो रास्ता है वो थोड़ा प्लेन हो गया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही एक पैस था जो अगर आप लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो वहाँ से आ सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग से भी आप प्लेन रास्ते से आ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा है। सो गाइस, हमें एक बड़ी अनोखी चीज मिली यहाँ पे, नेहा हर्बल मेहंदी का सोर्स। भाई आप लोग कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। भाई आप भी? कैसा चल रहा है ट्रैक? बस बढ़िया। हालत तो आपकी बढ़िया लग रही है एकदम। चलो आओ। संजय भाई कितना और चलना है अभी? 10 मिनट का रास्ता है मंदिर का। कितने किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने? ये 4 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर बचा। अच्छा, 1 किलोमीटर बचा। वो तो होती वाली जी। क्या भाई, यहाँ पे बुरास के फूल मिलते हैं रेड कलर के, अगर आप अपने गाइड से पूछ लो बुरास के, तो आप अगर भूख लगे तो उसको खा सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इसको टिल्ट करना है, अंदर के जो वाइट रेसेस हैं उन्हें नहीं खाना है, सिर्फ जो पत्तियाँ होती है रेड कलर की उन्हें खाना है। कैसा है टेस्ट? खट्टे मीठे, एनर्जी बहुत होती है इसमें, उसका जूस भी काफ़ी लाभदायक है। 5 किलोमीटर का ट्रैक हमने पूरा कर लिया है और जल्दी सुबह निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि धूप नहीं थी और थोड़ा जल्दी नहीं चल पाए, प्लस हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए, तो हमने अराउंड 1.5 घंटे में 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास में। और अभी हम लोग अराउंड ऑलमोस्ट टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं। हम लोग अभी मार्च के महीने में यहाँ पे आए हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्च में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं है और मौसम ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। शील, हाउस द जूस? हाय सर। वो जो सामने पहाड़ियाँ हैं जो मैंने कल आपको दिखाई थी बेस कैंप से, वो अभी बहुत नज़दीक और साफ दिखाई दे रही है। हम उस पहाड़ी की दूसरी चोटी पे हैं। अमेजिंग लग रहा है। सो गाइस, अभी प्लान किया है कि हम लोग टेंपल में नहीं रुक रहे और सीधे समेट जा रहे हैं, बिकॉज अभी बॉडी गर्म है तो बाकी के 2 किलोमीटर भी आसानी से हो जाएंगे। अगर एक बार रुक गए तो आई डोंट थिंक कि फिर हम 2 किलोमीटर्स की चढ़ाई चढ़ पाएंगे सीरियसली, लेकिन मज़ा आ रहा है, ट्रैक काफ़ी अच्छा है। भाई ये क्या है बताना जरा, क्या है? पत्थर चट्टा। क्या होता है इससे?
जैसे पथरी की, जैसे पथरी किसी को बीमारी होती है ना, हाँ? तो मतलब एक महीने के बाद अच्छा कितनी एमएम की हो, हाँ? साफ हो जाती है। क्या बात कर रहे हो, हाँ? तो इसको क्या सुखा के क्या करना पड़ता है? सुखा जो है ना बाहर का, हाँ? इसको सुखा के अपने आप, हाँ, छील के ये अपने आप जैसे बाहर निकल जाता है। चाय बना के पी जाओ, फिर इसको कूट के जैसे ब्लैक टी बनती है ना, ऐसे बनती, फिर उसका पानी पीती। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। अभी कितना और रह गया? अभी तो कुछ भी नहीं आया, 500 मीटर आए, 500 मीटर ही आए, चलना पड़ेगा थोड़ा और चलना पड़ेगा। तो किसी भी पेड़ पर अगर बिजली गिरती है तो वो पूरा खोखला कर देती है। तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे जो पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे बिजली गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मज़ा आ गया, मतलब स्नो आप देख ही रहो, चारों ओर स्नो फैली हुई है। सो गाइस, चढ़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगी है, वो भी ये स्नो जो है बहुत स्लिपरी हो रही है और साथ साथ में चढ़ाई भी बढ़ गई है। ओ भाई साहब, कितनी फिसल ली भाई ये तो, लम्बा लम्बा लग गया। शिट, वाह, बर्फ़ में चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आई रिकमेंड कि आप स्नो वाले बूट ज़रूर लेकर आए अगर इस टाइम पर आते हैं तो, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। एक बार तो हम फंस भी गए थे, ना ऊपर जा पा रहे थे ना नीचे आ पा रहे थे, पकड़ पकड़ के आना पड़ा, तो हाथ पूरे जम के सूझ के बिल्कुल हाथ फील ही नहीं हो रहे। फील भाई ने तो लकड़ी उठा ली, लकड़ पहाड़ी लकड़, बिना इसके और बिना प्रॉपर जूतों के आपको नहीं करना चाहिए कभी भी अटैक। क्योंकि यार एक्चुअली ना सुबह ओले पड़े थे, उसकी वजह से और ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। अदरवाइज स्नो तो सॉफ्ट होती है ना, पैर घुस जाते हैं, हाँ पैर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, हाथ जाम। हमारे गाइड को देखो, गाइड साहब तो लमालम चल रहे एकदम फटाफट। तो गाइस, सीन्स कुछ ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से स्नो ट्रैकिंग करके हम लोग पीक पे पहुंचने वाले हैं। काफ़ी मुश्किल हो रहा है, अब सोचने की बात ये भी है कि उतरेंगे कैसे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। लेट्स सी कैसे उतरते हैं। फिलहाल रास्ता अभी तो ठीक हो गया है, प्लेन रास्ता है। तो गाइस, फाइनली पीक पे पहुंच गए हम लोग। वो सामने जो झंडे दिख रहे हैं वो है पीक। झंडी टॉप चोटी पे हम लोग पहुंच गए हैं। हमें अराउंड 3 घंटे लगे बेस कैंप से यहाँ पे पहुँचने तक। हवा बहुत तेज़ चल रही है, टोपी पकड़ ली। सो इस साइड जो सामने दिख रहा है, आज क्लाउड से तो इतना क्लीन दिख नहीं पा रहा है, यहाँ पे त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी की चोटी दिखाई देती है। और इस साइड अगर आप देखोगे, ये जो आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, ये द्रौपदी पर्वत है। झंडी टॉप चोटी उधर पे है, उसका दूसरा साइड है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, 360 व्यू है। और यहाँ से उधर अगर आप देखेंगे, यमुनोत्री पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ से यमुना नदी स्टार्ट होती है, अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। लेंस मेरा अच्छा नहीं है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता। और बाकी यहाँ से पूरा 360 व्यू दिख रहा है, अब देखोगे तो काफ़ी अच्छा बुग्याल है। सो गाइस, इस तरह से होता है हमारा नाग तिब्बा ट्रैक कम्प्लीट, और हमने फतेह हासिल कर ली है, चोटी में पहुँच गए हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी। और स्नो थोड़ी सी टाइट है, बिकॉज कल यहाँ पे ओले वगैरह पड़े हुए थे, थोड़ा सा स्लिपरी है। अदरवाइज़ काफ़ी काम प्लेस है, और 360 व्यू तो है ही साथ में, और मज़ेदार है, मतलब आने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। और हम लोगों ने 3 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर लिया। अगर स्नो इतनी ज़्यादा स्लिपरी नहीं होती तो और भी कम समय लगता है। गुल्ली मैं फंस चुका हूँ, मेरे पैर दोनों बिल्कुल बर्फ़ के अंदर घुस गए। ओ
तो गाइस स्नो में ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट ना हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस इस तरह से बड़ी मुश्किलों से फिसलते हुए लोगों को नीचे आना पड़ता है। अपना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं नाग देवता के मंदिर पे। इसी मंदिर की वजह से यानी नाग देवता की वजह से इस चोटी का नाम नाग टिब्बा है और काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने, संडे को जनरली यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। सो दर्शन करने के बाद अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं बेस कैंप पे। हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है बिकॉज हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। अभी वहाँ जाके हमारा लंच रेडी है, वहाँ से लंच करेंगे और फिर नेक्स्ट प्लान डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है बिकॉज अभी हमारे पास दो दिन और बचे हुए हैं। तो अभी पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी जगह हमें और भी जाना है। जल्दी मिलता हूँ।